तो लास्ट टाइम हम लोगों ने टोटल 25 करोड़ का जुगाड़ कर लिया था। वैसे जुगाड़ तो भाई 30 करोड़ का किया था, लेकिन 5 करोड़ साइमन ले गए। बट कोई बात नहीं भाई, उसी ने तरीका बताया था ये 30 करोड़ कमाने का। तो जैसे तैसे भाई 30 करोड़ में लेकर आ गया था एक गैंग से छीन के। एक्चुअली मैं गैंग नहीं थी भाई, एक बंदा था, वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए इधर से उधर पैसे ट्रांसफर कर रहा था एक ग्रुप P6 वालों के ट्रक में। बस उसी ट्रक को मैंने लूट लिया रात के अंधेरे में, और सिंपली उस ट्रक के अंदर जो 30 करोड़ थे वो लेके भाग गया। अब वो बंदे के 30 करोड़ चोरी हो गए, इस बारे में वो कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, हमारे पकड़े जाने का भी कोई डर नहीं है, और सिंपली हमें 30 करोड़ मिल गए थे। तो 5 करोड़ तो साइमन ने रख लिए, 25 करोड़ में लेकर आ चुका हूं गाइस। और लास्ट टाइम हमारे घर की जो प्रोग्रेस हुई थी, अभी तक की सबसे बेस्ट प्रोग्रेस कहेंगे उसे। बाकी एक सेकेंड, ये लैपटॉप किसका पड़ा हुआ है, और वेट, ये यहाँ पर चूल्हा किसने जला दिया भाई, है? और शिनचैन पिनचैन क्या क्या खुराफाती कर रहे हो तुम लोग। पिनचैन कहाँ गया भाई, क्या भाई साहब वो सूसू करने के लिए गया है। अच्छा अरे तुम लोग क्या खुराफाती कर रहे हो यार वो। अरे यार ऐसे हम लोग कुछ पकाने की कोशिश कर रहे थे यार, पिज्जा बनाने की कोशिश कर रहे थे, बनाई नहीं पिज्जा इसमें। अरे यार ये अलग ही पागल हो गए। वेट, ये लाइट्स किसने लगवा रखी है यहाँ पर। अरे ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने। अच्छा और वेट, यहाँ पे पार्टी कौन कर रहा था भाई, ग्लास व्लास रख के। अरे वो कॉन्ट्रैक्टर एक बढ़िया वाला जूस लाए थे यार, वही टेस्ट कर रहे थे हम लोग। एक गिलास बचा होगा, तुम पी लो। हाँ एक गिलास बचा तो है, लेकिन मैं क्यों पीऊँ भाई तुम लोगों का बचा हुआ, हटो। फिलहाल तो गाइस आज भी हम लोगों को फोकस करना है कि हमारा जो घर है वो बढ़िया तरीके से कंटिन्यूसली अपग्रेड होता जाए। यहाँ पर जो सीढ़ी का काम है काफ़ी ज़्यादा जोरों शोरों से चालू है। अब फ्रंट से जाने का कोई रास्ता ही नहीं है भाई, हम लोगों को अगर छत पे जाना है तो यहाँ सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फिलहाल ये बंदा काम कर रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है यहाँ से आने जाने में, वरना यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो रहा होगा, सिंपली आ सकते हम लोग। फिर ये वो इलाका है जहाँ पर, अब यार शीशा कौन सी लो क्वालिटी का लगा है। ओए कॉन्ट्रैक्टर ब्रो भाई ये क्या ड्रामा है, क्या हो गया फ्रैंकलिन, ये शीशा कैसी लोकल क्वालिटी का है। और एक सेकंड, वो आर्किटेक्ट अभी तक आया नहीं। नहीं वो अभी तक नहीं आया। अरे भाई एक बात बता, कॉन्ट्रैक्टर भाई तू पैसा इतना ले रहा है, खर्च किए जा रहा है, ये शीशा कैसा लोकल लगा रखा है। अरे यार शीशा वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, परमानेंट शीशा भी लगवाना बाकी है वहाँ पर। फिर ठीक है कुछ कर जल्दी यहाँ पे, ये शीशे तो भाई साहब सिंपली एक चक्कर से टूट रहे हैं यार, इतना खर्चा हो रहा है, ऐसा लोकल शीशे मत लगा ब्रो। बाकी और काम कैसे चल रहा है, पैसे तो अभी होंगे ही। नहीं यार सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, बल्कि मैं तुमसे कहने ही वाला था, लाओ थोड़े और पैसे लाओ। हैं? हाँ यार सारे पैसे खत्म हो गए यार, अभी घर थोड़ा और कंप्लीट कर दिया इन लोगों ने, पिलर विलर फ्लोरिंग व्लोरिंग लगवा दिया है, बट अभी घर भाई पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तूने भाई अभी तक कितना खर्चा कर दिया है यार, 10 करोड़ सबसे पहले दिन, फिर मैं एक और 10 करोड़ लाया था गाइस, उसके बाद 20 करोड़ लाया था, तो टोटल अभी तक 40 करोड़ खर्च कर दिए तूने। हाँ तो 20 करोड़ में तुमने काम देखा, कितना बेहतरीन वाला काम किया है मैंने। हाँ हाँ ठीक है, तो इसीलिए यार थोड़े और पैसे लाओ। कितने लाऊं? जितने हैं तुम्हारे पास सारे ले आओ। मेरे पास तो 25 करोड़ है। हाँ तो 25 करोड़ लेके आ जाओ। ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अबे ये कैसे वॉल्स लगाई है भाई तूने, अभी उनको फिक्स करना बाकी है यार। अच्छा ठीक है, 25 करोड़ और तुझे ला के दूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अभी लाता हूँ भाई। अरे यार खर्चे पे खर्चा हो रहा है, बट आई गेस गाइस इस वाले 25 करोड़ में काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाला है आगे। चलो भाई ये पैसे ला के दे देते हैं उसे। भाई देखिए टोटल 25 करोड़ है, तो इनको थोड़ा संभाल के खर्च करियो। अरे फ्रैंकलिन तुमसे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम था यार। क्या हो गया? लास्ट टाइम तुम ये क्रेन लेकर आए थे। हाँ आज यार 2 बुलडोजर्स की ज़रूरत है, ज़रा ले आओगे? हाँ तो ठीक है, ये 5 करोड़ लेके जा रहा हूँ मैं। क्यों? अरे किराए पे लाऊंगा ना भाई बुलडोजर्स। अच्छा तो 5 करोड़ किराया थोड़ा लग जाएगा। अरे तो थोड़े पैसे दे दे यार इसमें से निकाल के भाई। चलो भाई मैंने इतने पैसे ले लिए इस बैग के अंदर, जिससे हमारा बुलडोजर तो आ जाए। भाई कितने बुलडोजर? 2 बुलडोजर ला रहे हैं यार। ओके तो 2 बुलडोजर आ जाएंगे। काम तो बढ़िया ही चल रहा है, होप कि जल्दी हमें हमारा घर देखने को मिले। बट वेट यार, मैं लास्ट टाइम इतने मस्त मस्त पेड़ वगैरह पता नहीं क्या क्या लेकर आया था, उसको तो इन लोगों ने सजाया ही नहीं। तुम्हारा मन है सजाने का तो तुम सजा दो। ठीक है तो एक काम करते हैं गाइस, ये जो प्लांट्स है और ये जो चेरी ब्लॉसम की ट्रीज है ये मैं लगा देता हूँ, ये जो फाउंटेन है इसको अभी यहीं छोड़ो भाई, इस फाउंटेन को यहीं पड़े रहने दो।
हम लोग बाकी सारे ये जो प्लांट्स हैं छोटे मोटे ये सब लगा देते हैं। चलो तो प्लांट्स तो बहुत सारे लाया था मैं, एक मैंने इधर लगा दिया है, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है और तीन चार मैंने ऊपर लगा दिए हैं। अरे मैं तो बार बार भूल जा रहा हूँ यार, यहाँ से अभी ऊपर जाने का रास्ता ही नहीं है। अब इधर की साइड से यहाँ पर टॉप पर जाने का रास्ता, देखो तीन चार प्लांट्स तो मैंने इधर ही लाइन से लगा दिए हैं और बढ़िया लग रहा है इधर तो। और दो प्लांट्स थे दो तीन ये वाले, तो मैंने इधर ही लगा दिए भाई। मेरे को सूझ ही नहीं रहा भाई कहाँ लगाऊँ मैं इन प्लांट्स को, इसलिए जहाँ पर थोड़ा बढ़िया लग रहा था मैंने वहीं लगा दिए हैं। अभी वो जो चेरी ब्लॉसम की ट्रीज हैं वो मैं सोच रहा हूँ एक यहाँ पर लगा दूँ और एक हमारा घर जहाँ पर ख़त्म होता है एक वहाँ पे बढ़िया लगेगा। देखो भाई सबसे पहला वाला तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, लिटरली मैं भाई दूर से एक बार व्यू देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है हमारे घर का। और ये जो दूसरा वाला प्लांट है इसको देखो मैं कहाँ लगाता हूँ, इस दूसरे वाले प्लांट को मैंने लगा दिया है गाइस यहाँ पर। एक बार देखो भाई यहाँ से कितनी प्यारी लुक आ रही है, अगर कोई भी एंट्री लेगा यहाँ पर तो हमारा घर कुछ ऐसा दिखने वाला है। अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा एकदम ही बेहतरीन दिखेगा। मैं तो बहुत सारे पेड़ लाने वाला हूँ, एक चेरी ब्लॉसम के नहीं बहुत सारे पेड़ भाई, सब अलग ही लुक आने वाली है। बस तुम लोग जाकर यार वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारा जो ये हाउस अपग्रेड है ये जल्दी जल्दी हो जाए और हम लोगों को एक बहुत ही तगड़ा आलीशान घर देखने को मिले। पहले हमारा घर कितना छोटा था यार, सामने से पता भी नहीं चलता था कि क्या ही है घर के अंदर, बस ये गैरेज दिखता था। लेकिन अभी दो तीन मंजिल का ऑफिस, दो तीन मंजिल की उधर कार पार्किंग, मजा ही आ जाएगा। चलो भाई अभी एक काम करते हैं, इसके क्या लेने के लिए जाने वाला था मैं, हाँ बुलडोज़र लेने के लिए चलते हैं। लेकिन गाड़ी लेके जाने में फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर हम अपनी मेरे को वहाँ गाड़ी छोड़नी पड़ेगी और बुलडोज़र लेकर आना पड़ेगा, इससे बढ़िया टैक्सी लेके जाते हैं और दो बुलडोज़र लेकर आते हैं। लेट्स गो, लेट्स डू दिस, फटाफट से चलते हैं भाई। ये टैक्सी वाले भी भाई बहुत ही ज़्यादा नालायक है भाई, यहीं छोड़ के भाग गया मेरे को टैक्सी वाला। खैर छोड़ो उसे, पहुँच चुका हूँ मैं जहाँ पर मेरे को बुलडोज़र लेना है रेंट पे। वैसे गाइज अगर तुम लोगों को GTA 5 के अलावा भी दूसरे दूसरे गेम्स देखना पसंद है जैसे कि कार फॉर सेल या फिर कोई ग्रैनी वाली हॉरर गेम या फिर कोई तगड़ी वाली एडवेंचर गेम, अगर तुम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट गेम्स पसंद है तो तुम लोग हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तुम लोगों को पता होगा भाई हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है फ्लाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर तुम उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की वीडियोस आ रही हैं, तो वहाँ पर जाकर तुम लोग देख सकते हो उन वीडियोस को। तो जाओ यार अभी अभी डिस्क्रिप्शन में चेक करो चैनल का लिंक और चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो वहाँ पर मस्त मस्त कार फॉर सेल और डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की वीडियोस। बुलडोज़र लेने के लिए तो आ चुका हूँ मैं, तीन तीन चार चार बुलडोज़र हैं यहाँ पर, लेकिन ओनर कौन है, ये तो वर्कर्स ही लग रहे हैं भाई। अरे भाई ओनर कौन है यहाँ पे, ओनर शायद अंदर होगा, उसे पेमेंट करके आते हैं। चलो ओके, तो पेमेंट तो कर दिया भाई, बहुत महंगे है यार ये बुलडोज़र तो, लिटरली में इनका रेंट बहुत ज़्यादा है एक दिन का। हाँ लेकिन क्रेन से ज़्यादा नहीं है, क्रेन का सबसे ज़्यादा रेंट था, तो मैंने दो बुलडोज़र रेंट पे ले लिया है जैसा कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था। तो अभी दोनों के दोनों बुलडोज़र्स को लेकर चलते हैं हमारे घर की तरफ। अरे भाई ये काम वो खुद भी तो कर सकते हैं यार, मेरे से बेमतलब में करवाते हैं। चलो कोई नहीं, चलते हैं यार फटाफट लेकर इन बुलडोजर्स को घर की तरफ। अरे कितने स्लो हैं यार, वैसे ये बढ़िया काम करते हैं, जैसे देखो सामने वाली गाड़ी है इसको उठा लूँ मैं, उठा के पलट दूंगा भाई मैं, लिटरली मैं किसी भी बंदे से कैसा भी पंगा ले सकता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये। ये देखो गाड़ी उड़ ली इसकी और ये पलट दी भाई, देख रहे हो तुम लोग सीन देख रहे हो कितना मस्त है। ये लो भाई ये गाड़ी पूरी पलट दी एकदम बढ़िया तरीके से, अरे वाह क्या मज़ेदार बुलडोज़र है। एक सेकंड, ये गाड़ी उठाई और ये सामने की तरफ से पलट दी। ओ भाई साहब सीरियसली मैं सारी गाड़ियाँ पलट सकता हूँ मैं। एक सेकंड पीछे एक वैन आ रही है, क्या उसे पलट सकता हूँ। अबे मैं ये क्यों कर रहा हूँ भाई, मेरे को जल्दी जल्दी और पैसों का जुगाड़ करना है, घर अपग्रेड करना है कि नहीं, ये फालतू की चीज़ें क्यों कर रहा हूँ मैं, चलते हैं फटाफट से घर पे। ये देखो भाई इधर से एंट्री लेने पे क्या मस्त चेरी ब्लॉसम का ट्री दिखता है, ये मतलब नकली सा है बट असली वाला फील लेता है। ओके इसको नीचे करते हैं, आ गया भाई वो एक कॉन्ट्रैक्टर आ गया पहला बुलडोज़र लेके। अरे यार दो मंगवाए थे मैंने, हाँ दूसरा भी लेके आता हूँ रुक जा। ओके ये हो गया फर्स्ट वन, चलते हैं गाइस सेकंड वाले को लेने के लिए, फिर टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। मैं बीच रास्ते में ही उतार के भाग गया टैक्सी वाला, कैसे टैक्सी वाले इनकी तो ऐसी तैसी, रुक जाओ दे एक टैक्सी वाले को पलटूंगा ज़रूर मैं, अब बुलडोज़र लेने के लिए आया तो हूँ, एक टैक्सी वाले को ज़रूर पलटूंगा, रुको भाई। चलो इसे बाहर लेकर चलते हैं,
टैक्सी वाला आपको दिख जाए बस बदला ले लूंगा मैं उनसे। भाई जो जगह बोलो उससे 10 कदम 20 कदम पहले उतार के भाग जाते हैं और पैसे पूरे लेते हैं। हाँ दिख गया एक टैक्सी वाला, रुक जा बे, कहाँ भाग रहा है, रुक जा तेरी टैक्सी पलटूँ। है बे नालायक, तुम लोग ऐसे ही करते हो, ऐसे ड्रामे चल रहे हैं तुम लोगों के। रुक जा बे, रुक जा बेटा, भाग कहाँ रहा है, रुक जा तू। ये ली इसकी टैक्सी और ये पलट दी, ओके ये पलट दी भाई। और भाई टैक्सी पलटी नहीं इसकी तो, कितनी स्ट्रॉन्ग टैक्सी ले रहा भाई तू। ओके फाइनली पलट दी भाई, पलट दी उसकी टैक्सी। है भाई बे मतलब के पंगे मतलब टैक्सी वालों। वो बस पलट सकता हूँ क्या मैं इससे? अरे यार मैं फिर इधर फालतू की चीज़ें करने लग गया, लेकिन कुछ भी कहो भाई मज़ा ज़रूर आ रहा है इसमें, भले ये फालतू की चीज़ें हो लेकिन। अबे बस निकल गई हाथ से, छोड़ो घर चलते हैं। ये है लुक अपने घर की, यहाँ से उतना कुछ पता नहीं चल रहा है कि घर पे कुछ काम वाम चालू है। जब ऑफिस रेडी हो जाएगा ना भाई 2 फ्लोर्स का, तब दिखेगा अपना घर एकदम बेहतरीन वाला। अरे अरे पुलिस वालों कैसे, आजकल चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लॉस सैंटोस में। चोर की गाड़ी पलट दूँ क्या? छोड़ो यार मेरे को घर जाना है। आ गया फाइनली इसका दूसरा बुलडोजर भी लेके, बड़ी मुश्किलों से लाया हूँ मैं। दिक्कत लाने में नहीं हुई है, मतलब स्लो है ये इतना, इससे ज़्यादा तेज़ तो मैं पैदल चल लूँ भाई, सीरियसली मैं इतना स्लो है ये बुलडोजर। और जैसे तैसे इसे लेकर मैं आ चुका हूँ गाइस, अब जब शांति से लगा देते हैं। ले भाई जो तेरे को करना है तू कर, मैं चला। अरे फ्रैंकलिन आज शाम तक इन 25 करोड़ में से काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाने वाले हैं यार, तो पैसों का जुगाड़ करो अगर नहीं है तो। नहीं नहीं पैसे हैं, हैं पैसे, चलते हैं यार, पैसों का तो जुगाड़ करना पड़ेगा यार, पैसे कहाँ हैं? मैंने झूठ कह दिया उससे, लेकिन सीरियसली मैं, मेरे पास पैसे नहीं है। देखो भाई टोटल खर्चा आने वाला था 100 करोड़, 10 करोड़ के लगभग मैंने अपने बैंक से जुगाड़ कर लिया, 10 करोड़ की हेल्प कर दी थी अपने लेस्टर ने तो 20 करोड़ हो गए, फिर इसके अलावा 20 करोड़ की एक और हेल्प कर दी थी माइकल ने, तो इसके बाद अपने पास 40 करोड़ हो गए, और 40 करोड़ के बाद लास्ट टाइम हेल्प कर दी थी अपने साइमन ने, तो टोटल हो गए 65 करोड़। तो 65 करोड़ अभी तक मैं लगा चुका हूँ घर में, अभी भी 35 करोड़ बाकी है, देखते हैं आज 35 करोड़ में से कितने का जुगाड़ हो पाता है। चलते हैं जुगाड़ करने के लिए, किसके पास जाऊँ यार? लेस्टर, माइकल, साइमन सब हो गए, कौन रह गया? लेमार के पास तो जाना देखो वेस्ट है, लेमार तो खुद यार मेरे से मांगने लग जाएगा पैसे, उससे क्या ही मैं मांगूं। लेमार के पास जाना तो बेकार है, किसके पास जा सकते हैं? किसके पास? साइमन, लेस्टर, माइकल, ट्रेवर यार, लेकिन ड्राइवर तो खुद ही गरीब सा है, उसके पास होंगे लेकिन भाई दिमाग बहुत चलता है वो, एक्चुअली मैं भाई पैसों का जुगाड़ नहीं करता है, वरना वो चाहे तो अभी माइकल के जितना अमीर हो जाए, लेकिन उसको चाहिए ही नहीं पैसे, अपने सैन एंड्रियाज में पड़ा रहता है वो, बेमतलब है, उसको चाहिए ही नहीं भाई घर, उसको लाइफ में ना घर चाहिए। उसके पास एक बढ़िया सा उसका ट्रक है पुराना सा लाल कलर का, और उसी में खुश है वो, ना उसको घर चाहिए बढ़िया सा, ना उसको बढ़िया सी कोई गाड़ी चाहिए, ना ही बहुत सारा पैसा चाहिए, अभी चाहे तो बहुत सारा पैसा छाप सकता है वो। डेफिनेटली गाइस ट्रेवर इज़ द बेस्ट चॉइस, चलते हैं ट्रेवर के पास, देखते हैं कितने का जुगाड़ हो पाता है। हाँ ट्रेवर का घर सैन एंड्रियाज में है, बहुत दूर जाना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं चलते हैं फटाफट। ओके ओके ये है ट्रेवर के घर का इलाका सैन एंड्रियाज, और सैन एंड्रियाज नहीं, एक सेकेंड, सैंडी शोर्स नाम है, सैन एंड्रियाज नाम है, पता नहीं भाई जो भी जगह का नाम है, यहाँ पर मैं पहुँचने वाला हूँ भाई। कुछ भी कहो ट्रेवर का घर मतलब इधर बेकार सी जगह पे तो है, बट लोकेशन देखो, व्यू देखो उसके घर से, क्या मस्त माउंट चिलाट का व्यू आता होगा, बड़े से लेक का व्यू आता होगा भाई, फुल मज़े में है वो भी। लेकिन उसका घर है कहाँ? एक तो इतने दिनों बाद आ रहा हूँ, मेरे को उसके घर की लोकेशन भी नहीं याद भाई, इधर ही होना चाहिए जहाँ तक है। यहाँ से आगे से लेफ्ट आई गेस, यहाँ से लेफ्ट साइड में ही था उसका घर, अजीब गरीब सा है भाई, उसका घर देख के ही पता चल जाएगा। ये तो रहा और ये भी रहा ट्रेवर भी। हेलो ट्रेवर ब्रो, कैसे हाल चाल? अरे फ्रैंकलिन तुम यहाँ पर सुबह सुबह मुझसे मिलने के लिए आए हो? हाँ बस ऐसे ही मिलने के लिए आ गया। और बताओ क्या चल रहा है जिंदगी में? कुछ नहीं, जरा घर को अपग्रेड कर रहा हूँ मैं। मेरे घर को अपग्रेड करना चाहते हो? नहीं नहीं मेरा घर पहले ही ठीक है। अबे तेरे घर को अपग्रेड नहीं कर रहा मैं। अच्छा तो किसके घर को? मैं मेरा जो घर है उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओ तो नया घर खरीदा है तुमने? अबे नया घर नहीं खरीदा, अबे पागल वागल हो गया है क्या? सुबह सुबह पी के बैठा है तू? अरे तुम्हें कैसे पता चला? अरे भाई ये ट्रेवर ऐसा ही है, एकदम ही अलग है, बताओ सिगरेट फूके जा रहा है इतनी भरी दोपहर में, क्या ही बंदा है यार ये।
अरे एक सेकेंड, इसके अंदर भाई क्या है? अरे उस पे गोली मत चलाना यार, उसके अंदर कुछ नहीं है। अबे तेरा घर है कि क्या है भाई? वो तो मुझे भी नहीं पता क्या है ये। भाई देखो यार इसके घर की हालत देखो, नीचे कॉकरोच चल रहे हैं, वो भी कितने सारे। ओबे भाई झुंड बना के कॉकरोच चल रहे हैं इसके घर में। अरे कभी जिंदगी में साफ नहीं करता क्या तू घर? नहीं यार, जो है वैसा ही ठीक है। खा के इसने बर्तन सिंक में फेंक रखे हैं, चूल्हे पे ऐसी सब कुछ चढ़ा पड़ा भाई। दारू की बोतलें देखो इधर, पंखा ऐसी लोकल सा सस्ता सा, टीवी भी ऐसा ही है। अरे भाई ड्राइवर तू बढ़िया सा घर खरीद ले यार। अरे ठीक है यार ऐसे ही। अब वो छोड़, तू ये सुन मैं तेरे पास क्यों आया हूँ। बताओ क्यों आए हो? देख मेरा जो घर है उसे मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। ये अपग्रेड क्या होता है? अरे अपग्रेड मतलब किसी चीज को बेहतर बनाना, उसी चीज को थोड़ा सा खर्चा करके। ओके, तो कितना खर्चा आ रहा है? तो खर्चा आ रहा है लगभग 100 करोड़ का। और तुम्हारा घर कितने का था? मेरा घर तो भाई बहुत पुराना है, 25 करोड़ का था जब वो बना था। ओह तो ये बात है। अबे वो छोड़ना, तू मेरी बात सुन पहले। तुम्हारी बात ही तो सुन रहा हूँ। अबे पूरी बात सुन यार, पका दिया यार इसने, मैं जा रहा हूँ यार। मेरे को नहीं लग रहा है ये किसी काम का है, गलत बंदे के घर पे आ गया। अरे रुको रुको यार, बात तो बताओ। बात क्या बताऊँ, पैसों का जुगाड़ करना था। हो पाएगा जुगाड़? तेरे बस की नहीं है। अरे 20 करोड़ का हो जाएगा जुगाड़। क्या क्या बोला तूने? हाँ 20 करोड़ का जुगाड़ हो जाएगा। क्या सीरियसली में? हाँ हाँ सच में? अरे पक्का? देख ले। अरे झूठ नहीं बोलता यार मैं। अच्छा 20 करोड़ का जुगाड़ हो जाएगा? कैसे भाई, क्या कुछ टास्क वास्क है क्या तेरे पास? हाँ एक तरीका है मेरे पास। अच्छा क्या क्या है तरीका? चलो गाड़ी में बैठो फिर बताता हूँ। ठीक है आ जा गाड़ी में आ जा, कोई नहीं। 20 करोड़, लेकिन ध्यान से सुन लो, 5 करोड़ मेरे उसमें से। हाँ तो ठीक है, 25 करोड़ तो मिलेंगे मेरे को। 25? अरे मतलब 15 करोड़ तो मिलेंगे मेरे को। हाँ 15 करोड़ मिल जाएंगे। आ बता क्या तरीका है। चलो गैस 20-25 करोड़ नहीं तो कम से कम 15 करोड़ का तो जुगाड़ हो रहा है, ठीक ही है। आ जा भाई ड्राइवर। हाँ यार तो सुनो, तू पीछे बैठ रहा है यार, ऐसा नहीं लग रहा तू मालिक है मैं ड्राइवर हूँ। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो यार, 20 करोड़ कमाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर बंदा है यार लॉस सैंटोस में। अरे अमीर बंदे तो बहुत है यार, उनको लूटना होता तो मैं तो सबको लूट लूट के अभी तक 1000 करोड़ कमा चुका होता, लेकिन लूटना नहीं है भाई किसी को। कोई जेन्युइन सा तरीका बता। हाँ तो जेन्युइन तरीका ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ बोल। तो एक काफ़ी रिच बंदा है यार लॉस सैंटोस में, और उसके बेटे को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है। अच्छा क्या किया था उसके बेटे ने? अब ये तो बता नहीं, मतलब छोटी मोटी कोई चोरी वोरी की थी। अबे जब अमीर बंदा है तो उसके बेटे को चोरी करने की क्या जरूरत है भाई? अरे यार होगा उनका कुछ पंगा, हमें क्या उससे। ठीक है तू आगे बोलता जा। तो उसके बेटे को पुलिस वाले ने पकड़ लिया है और जेल में भी डाल दिया, लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी जेल में। अब वो जो बंदा है वो कह रहा है कि अगर कोई भी उसके बेटे को जेल से छुड़ा के लाता है तो वो उसे प्राइज के तौर पर पूरे 20 करोड़ देगा। ओह तो ये बात है। हाँ अब बताओ 20 करोड़ का जुगाड़ हो गया कि नहीं? अबे लेकिन उसके बेटे को जेल से छुड़ाएगा कौन? तुम छुड़ा लो और 20 करोड़ ले जाओ। हाँ तो 5 करोड़ तू फिर किस बात के लेगा? तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देने के। अच्छा तो ठीक है चल, फटाफट से पहले उस अमीर बंदे से तो मिलवा, उसके बेटे बेटे की फोटो वोटो भी तो लेनी पड़ेगी। जेल में जाके मैं बचाऊंगा किसको, किसी गलत बंदे को उठा लाया तो। हाँ ये भी सही बात है। ले चल फटाफट से उसके घर की तरफ। तो एक काम करो, अमीरों के मोहल्ले की तरफ ले लो गाड़ी को। अच्छा उधर रहता है वो? बिल्कुल। तो सच में रिच बंदा होगा यार वो। चलो भाई उधर ही चलते हैं। बैठ ड्राइवर भाई, पूरा का पूरा ये अमीरों का मोहल्ला खत्म होने को आ गया। उस बंदे का घर कहाँ है? अरे यार बस आ गया, यही वाला है, यही वाला। ये वाला पक्का? नहीं नहीं एक सेकेंड, ये वाला है। अबे तुझे खुद भी पता है? हाँ हाँ यही वाला है पक्का 100%। ओके ठीक है फिर चलते हैं अंदर। चलो चलो। किधर से है रास्ता? इधर से है रास्ता, पीछे की तरफ से। के अंदर चलते हैं ना। अबे चल बे, कोई भी डायरेक्ट चोर समझेगा। तो वो तो घर के पीछे से भी जाएंगे तो कुछ कोई चोरी समझेगा। अबे चलते हैं ना, देखते हैं घर के बाहर कोई होगा तो उससे ही बात करेंगे, वरना घर का दरवाजा खटखटाएंगे। एक बंदा है तो सही। अरे यही तो है जिसका बेटा किडनैप हो गया, मतलब अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने। हेलो सर, आपके बेटे को अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने? अरे हाँ यार, मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है पुलिस वालों ने। किया क्या था आपके बेटे ने? अरे यार पुलिस वालों को कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है यार, उन लोगों ने बेमतलब में मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया है। तो आप जाके उनसे कहो। वो लोग मान ही नहीं रहे यार, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ।
तो मैंने ये सुना है कि आप अपने बेटे को बचाने के लिए, मतलब आपने ऐसा अनाउंस किया है कि जो आपके बेटे को बचाएगा उसको आप 20 करोड़ ऐसे प्राइज देंगे। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। तो मैं तैयार हूँ आपके बेटे को बचाने के लिए। सचमुच? हाँ हाँ 100%। ओके तो बचाओ। हाँ तो 20 करोड़ का कुछ एडवांस? नहीं नहीं ऐसे नहीं होता है, पहले तुम मेरे बेटे को बचा के यहाँ पर लेकर आ जाओ, 20 करोड़ डन। ठीक है, आपके बेटे की फोटो मिल सकती है? हाँ बिल्कुल अभी देता हूँ। फोटो मिल चुकी है और ये है इसका बेटा। ओके देख ली अच्छी तरीके से फोटो, शक्ल भी देख ली। चलो इसी को बचाना है पक्का? हाँ इसी को। ठीक है उठा लेंगे, मतलब बचा लेंगे। चलो भाई अब प्लानिंग करनी पड़ेगी पूरी कि किस तरीके से इसके बेटे को बचाना है। सबसे पहले तो गाइस हम लोगों को कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे हम लोग जेल के अंदर एंटर कर सकें सेफली, और फिर उसके बाद इसके बेटे को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। बेटे को तो बचा लेंगे भाई, सिंपली बस जेल के अंदर जाने का तरीका ढूंढना है, क्योंकि जेल के अंदर एक बार पहुंच गए फिर तो बेटे को इधर उधर कहीं ना कहीं ढूंढ ही लेंगे। दिक्कत यह है कि जेल के अंदर इस तरीके से घुसना है कि किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले। तो ड्राइवर भाई तू भी हेल्प करने वाला है? नहीं। अरे हाँ यार मैं कहने वाला था कि मेरे को ज़रा घर छोड़ दो। हैं? सारा काम मैं करूँ फिर भी तू 5 करोड़ लेगा? इन्फॉर्मेशन देने के यार, मेरे थ्रू ही तो तुम्हें ये काम मिला। ठीक है तो तुझे घर छोड़ देता हूँ पहले मैं, और 5 करोड़ फिर तू कैसे लेगा बे? एक काम करता हूँ, मैं इस बंदे के घर पे ही रुकता हूँ, तुम इसके बेटे को बचा के लाओ और ये घर पे पैसे देगा, 5 करोड़ ले लूंगा मैं इसके घर पे ही। ठीक है उतर गाड़ी से चल। बढ़िया तरीके से बचाना फ्रैंकलिन। हाँ हाँ टेंशन मत ले तू। ओके गाइस तो ड्राइवर को तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया, ये जा रहा है फिलहाल उस बंदे के घर पे, और मुझे जाना है अभी उस बंदे के बेटे को बचाने के लिए। फोटो मैंने ले ली है, शक्ल याद हो गई है यार इसके बेटे की। तो सबसे पहले अंदर जाने का तरीका जो है, मेरे को एक सूझा तो है भाई तरीका, लेकिन पता नहीं ये तरीका कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता है। तरीका देखो ये है कि मैं अंदर एंटर करूँगा टॉयलेट क्लीनर वाला बन के। यस ये टॉयलेट की साफ़ सफाई नहीं होती तुम्हें तो पता ही है भाई, लॉस सैंटोस के क्या हालत है भाई, लॉस सैंटोस के जेल की भी क्या हालत है। तो मुझे लगता है लॉस सैंटोस के वॉशरूम की भी बहुत ज़्यादा आप बुरी हालत होगी, और मैं कहूँगा कि भाई मैं लॉस सैंटोस गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ वॉशरूम क्लीनर, और मेरे को भाई पूरे के पूरे जेल के सारे बाथरूम साफ करने हैं। सिंपली ये बन के जाऊँगा मैं उस बड़े से जेल के अंदर, कोई रोकेगा भी नहीं भाई, फ्री में कोई साफ करने के लिए आ रहा है कौन ही रोकेगा। और वैसे भी किसी के घर में थोड़ी ना जा रहा हूँ मैं, तो जेल में जा रहा हूँ। और फिर सिंपली मैं उस वाले बंदे तक पहुँच जाऊँगा, इसके बेटे तक कैसे भी करके, और इसके बेटे को समझाऊँगा कि भाई मैं तेरे बापू की तरफ से आया हूँ, मैं तेरे डैडी की तरफ से आया हूँ तेरे को बचाने के लिए। और फिर नहीं माना तो भाई बेहोश करके ले जाएंगे अपने संग, और क्या दिक्कत की बात है, मेरी गाड़ी क्यों पलट रही है। तो आई गेस गाइस मेरा आइडिया बहुत ही परफेक्ट है यार, बस एग्जीक्यूशन ढंग से हो जाए फिर तो बचा लेंगे इसके बेटे को। निकलते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मेरे को टॉयलेट क्लीनर वाले की ड्रेस चाहिए होगी, इसके अलावा उनकी जो भी गाड़ी वगैरह होती है वो चाहिए होगा, तो वो भी जुगाड़ हो जाएगा मेरे को पता है उनकी लोकेशन। चलो यार यहाँ से निकलते हैं। तो थोड़ी बहुत रिसर्च करने पर मुझे पता चला कि भाई टॉयलेट साफ़ करने वाला तो कोई ग्रुप ही नहीं है भाई, यहाँ पर कोई करता ही नहीं है टॉयलेट साफ़, मतलब कोई ऐसा काम करने वाला बंदा ही नहीं है। भाई क्या करूँ मैं अब। तब मेरे को आइडिया आया कि एक काम करते हैं, कचरा साफ़ करने वाला बन के जाते हैं। इसीलिए मैं पहुँचने वाला हूँ गाइस एक लोकेशन पर जहाँ पर वो कचरे के बड़े बड़े वाले ट्रक नहीं होते वो पड़े हुए हैं। तो एक काम करेंगे, उन्हीं की ड्रेस चुरा लेंगे, उन्हीं का ट्रक चुरा लेंगे और चलेंगे उस बंदे के बेटे को बचाने के लिए। यही प्लान है मेरे पास यार, मैं तो भाई टॉयलेट क्लीनर वाला बन के जाने वाला था, ऐसा कुछ काम ही नहीं है लॉस सैंटोस में। वो तो सही है अभी पता चल गया, वरना बाद में अगर डायरेक्टली वहाँ पे बन के पहुँचता ना भाई पकड़ा जाता मैं। लेकिन फिलहाल वो बंदे भी कहाँ हैं जहाँ पर ये कचरे का ट्रक व्रक रखते हैं, वो भी नज़र नहीं आ रहे मेरे को। तो गलत जगह पे आ गया क्या मैं? लोकेशन तो यही बताई थी एक बंदे से मैंने पूछा था, गलत जगह पे चला गया था यार। इधर है वो कचरे वाला ट्रक, वो देखो नज़र भी आ रहा है दूर से, देख रहे हो सीरियसली में कितने सारे ट्रक हैं यहाँ पर। ओ वहाँ पर एक बंदा भी है। ड्रेस चुराऊँ कि नहीं चुराऊँ भाई? एक काम करते हैं ड्रेस चुराने की कोशिश करते हैं, अगर ड्रेस फिट आ गई तो चुरा लेंगे, अगर ड्रेस फिट नहीं आई तो छोड़ो भाई। ये गया ये और ये गया ये। चलो ओरा भाई साहब तू जिंदा है, मतलब तू अभी होश में है? ओके ओ भाई अभी तक होश में आई है, बेहोश होना ब्रो फटाफट, कितनी जान है यार इस बंदे के अंदर। चलो दोनों बेहोश हो गए, देखते हैं किसके कपड़े फिट आते हैं मेरे में। चलो भाई ड्रेस तो ले ली मैंने, इसी बंदे की फिट आ गई थी थोड़ी बहुत,
और ट्रक अब यहाँ से उठा लेते हैं। सबसे पहले तो एक मास्क भी चाहिए होगा, मास्क तो रखते ही होंगे ये लोग। चलो भाई मास्क ठीक है, मास्क मैंने इसलिए पहना है यार, मान लो उन लोगों ने मेरी शक्ल देख ली और मेरे को बाद में पकड़ के पीट दिया, या फिर मान लो उन लोगों ने मेरी शक्ल देख ली और मेरे को भाई ट्रेस करते करते मेरे घर तक पहुंच गए और एग्जैक्टली उसी दिन पहुंचे जिस दिन मेरा घर कंप्लीट हो चुका होगा। तो फिर फ़ायदा क्या घर कंप्लीट होने का जब मैं ही जेल में चला जाऊँगा। इसलिए अभी से सारी प्रिकॉशंस लेकर हम लोग उस बंदे को बचाएंगे जेल से। चलते हैं भाई, ट्रक तो काफ़ी बढ़िया है कचरे वाला, इसे लेकर चलते हैं अभी जेल की तरफ और बचा के लाते हैं और जुगाड़ करते हैं जैसे तैसे अपने 15 करोड़ का। फिर इसके बाद मुझे और 20 करोड़ का जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे यार बहुत अच्छा बैठ रहा है घर में। तो पहुंचने वाले हम लोग लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी जेल की तरफ। और हट जाओ यार, थोड़ा सा साइड दो मेरे को। चलो भाई अब वहाँ पर बढ़िया तरीके से काम हो जाए, कोई मेरे को पकड़े ना, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी यार। ओके आराम से इधर जेल तो नज़र आने लग गई है। काम करते हैं यहीं से शॉर्टकट लेते हैं यार, उतना लंबा कट लेके जाने की क्या ज़रूरत है। देखो यहीं से आराम से बिल्कुल प्यार से आ चुका हूँ मैं और अभी एकदम तमीज़ में गाड़ी चलाएंगे, ठोकते वोकते नहीं भाई, वरना शक हो सकता है उन बंदों को। एकदम तमीज़ में ये बैरिकेड ओपन होगा तब जाएंगे, बिल्कुल एकदम नॉर्मल कचरा साफ करने वाले बंदे की तरह। ओके और यहाँ पर ट्रक रोकते हैं। चलो भाई हेलो हेलो, वो जेल में काफ़ी कचरा हो चुका है उसी के लिए मैं आया हूँ। ठीक है जाओ जाओ। ओके थैंक यू। बढ़िया यार बढ़िया, किसी को शक भी नहीं हुआ ज़रा सा भी। अरे इसे कहते हैं स्नीक करना भाई, किसी को लिटरली में ज़रा सा भी शक नहीं हुआ है। चलो खोल दो ट्रक फिर, मतलब गेट खोल दो भाई। गेट खोले जा चुके हैं मेरे लिए, ये आराम से चलना है। हेलो इसके पीछे पुलिस पड़ गई है भाई, पता नहीं किसके पीछे पुलिस लगी तो है। हमें बिल्कुल शांत रहना गाइस, एकदम ही शांत। वो पुलिस वाला मेरे पीछे क्यों आ रहा है क्या? अरे भाई कोई रूल वूल है क्या कि कचरा साफ करने वाले आएगा उसके पीछे भी पुलिस वाले आएंगे? मेरे को तो लग रहा भाई नज़र रखने का कुछ सीन है, या शक हो गया उनको, लग रहा है मेरे को शक हो गया है। लेकिन अभी तक गोली नहीं चलाई भाई किसी ने भी। होगा भाई इनका रूल कि कोई भी अगर जेल के बाहर से अंदर आएगा जेल के अंदर तो उस पर भाई पुलिस वाले नज़र रखेंगे और उसका पीछा करेंगे, इसलिए शायद वो पुलिस वाला आ रहा था मेरे पीछे। मे बी आई हैव नो आइडिया भाई, मैं कौन सा रूल इधर किसी को बचाने के लिए आता रहता हूँ। वो तो 15 करोड़ का सवाल है इसलिए आ भी गया मैं। चलो भाई यार वो वाला अभी तक जितने भी मैंने टास्क किए सबसे बेस्ट टास्क मेरे को लगा भाई साइमन वाला। रात का इंतज़ार करना था और सिंपली जैसे ही ट्रक आया मैंने चोरी कर ली। बाकी यहाँ पर उसको ढूंढते हैं उसके बेटे को। और ये क्यों दौड़ क्यों रहे हैं भाई, कितने कैदी हैं इनमें, उसका बेटा कहाँ है? इनमें उसका बेटा कहाँ है? उसके बेटे की शक्ल तो याद है, ये है क्या? नहीं 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 ये नहीं यार। और भाई बॉडी देखो इनकी, बॉडी बना रखी है जेल में पड़े पड़े। हाँ यार इसका बेटा, ये क्या पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं क्या? क्या ड्रामा चालू है जेल के अंदर, ऐसे ही होता है? ये बंदे क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन? ये दोनों क्या कर रहे हैं? अबे गधो इधर दरवाज़ा है, उधर से क्या दौड़ने की कोशिश कर रहे हो? कैसे बेवकूफ़ है यार, छोड़ो मैं इधर क्यों पंगे ले रहा हूँ, उसके बेटे को ढूंढते हैं फटाफट। क्या हो गया, ये किसके पीछे भाग रहा है भाई? कुछ तो पंगा हुआ है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल। वेट 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 वेट, सामने देखो भाई। एक सेकेंड। अबे ये तो वही है, अबे हाँ ये तो वही है। क्या हो गया? अबे ये तो भाई अरे एक सेकेंड अबे नाम तो बताया नहीं यार उसने, जो भी हो भाई मैं तेरे डैडी की तरफ से आया हूँ, तू चल मेरे संग। क्या? बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं तेरे को बचाने के लिए आया हूँ। लेकिन तुम मेरे को क्यों बचाओगे? अबे इसी काम के मेरे को 20 करोड़ मिल रहे हैं, अब चल। सच में? हाँ हाँ चलना मेरे संग। लेकिन ये पुलिस वाले? अबे तू शांति से मेरे कचरे के ट्रक की तरफ आ। ठीक है आता हूँ, तुम चलो। चल दिया, यही है वो गाइस, फोटो मैंने देखी थी, यही है वो। चलो भाई हाँ जल्दी आओ गधे। आ गया, बोलो अब क्या करना है? ट्रक के अंदर घुसने की कहीं से जगह है? कचरे के ट्रक के अंदर मैं घुसूं? तेरे मुंह तोड़ दूंगा भाई, तेरे दांत चमका दूंगा मैं, शांति से बैठ जा कचरे के ट्रक के अंदर और मेरे को 20 करोड़ लेने दे भाई, दिमाग खराब मत कर। खुल गया कचरे का ट्रक खुल गया, पीछे आ जल्दी आ जल्दी। ठीक से फिट हो गया ना, मैं बंद कर रहा हूँ। अरे यार मैं मर तो नहीं जाऊंगा इसके अंदर। अबे बैठ शांति से अंदर। ओके गाइस, फिलहाल मैंने उसके हाथ की जगह के लिए एक छोड़ दिया है गैप ताकि उसके अंदर से हवा जाती रहे।
अभी फिलहाल मैंने इसे बढ़िया तरीके से पैक कर दिया भाई इस कचरे के ट्रक के अंदर। डेफिनेटली किसी को भी अब कोई शक नहीं जाने वाला है, बस हमें यहाँ से निकलना है जैसे तैसे करके। चलो भाई बस निकलने की देरी है यहाँ से आराम से, बिल्कुल किसी ने अपने को देखा भी नहीं है इसके अंदर बैठते हुए। कचरा हो गया साफ भाई, निकलने दो मेरे को, निकलने दो, बाहर निकलने दो पुलिस वालों। कचरा कर दिया मैंने, पूरे जेल का कचरा साफ कर दिया। थैंक यू बहुत ही ज़्यादा थैंक यू। चलो आ गया मैं, अरे खोल दो दरवाजो, अरे बहुत ही बढ़िया। अरे सर हो गया सारा कचरा साफ, प्लीज़ सर अब हट जाओ। ओके थैंक यू सर। क्या हो गया सर, क्या हो गया, बेमतलब के पंगे हो गए हैं क्या कुछ, पता नहीं सर क्या हो गया। हेलो भाई चलो चलो, अरे बहुत ही बढ़िया बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, किसी को शक भी नहीं हुआ और इस तरीके से हम लोगों ने कचरे का ट्रक का इस्तेमाल करते हुए बचा लिया है उस बंदे के बेटे को। भाई पुलिस वालों को ज़िंदगी भर नहीं पता चलेगा कि ये बंदा गया कहाँ, और मान लो कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह के अंदर आ भी गया तो उन लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैं था कौन। अभी सिंपली इसे लेकर चलते हैं फटाफट से और छोड़ के आते हैं इसके घर पे। बैठा रही हो बे, अरे यार अब तो मेरे को बाहर निकलने दो कचरे के ट्रक के अंदर से। बैठा रहे शांति से, जो मैं बोल रहा हूँ करता रहे चुपचाप। आ गए भाई मेरे 20 करोड़ आ गए। हट जा बे साइड में, चलो हटो यार। कौन सा घर था वो घर, ये वाला था वो घर। आ गए आ जा, अब यार क्या एंट्री ले रहा हूँ मैं भाई। ओए आ जा ओए, बाहर निकल बे, बाहर निकल बे, टपक गया क्या, बाहर आ जा बाहर आ जा। अरे यार हालत खराब होगी इस ट्रक में। कोई बात नहीं आ जा फटाफट आ जा, लेट्स गो। ओके सर आपके बेटे को बिल्कुल सही सलामत मैं बचा कर लेकर आ चुका हूँ। अरे यार तुम हो कौन? अबे ड्राइवर मैं हूँ यार, तू पहचान नहीं रहा भाई मेरे को। अबे आ जा, वो लोंडे कहाँ रह गया, अरे भाग तो नहीं गया वो, अबे किधर रह गया, अबे किधर रह गया, कहाँ रह गया था भाई तू, इधर आ शांति से। तो सर ये लो आपके बेटे को मैं बचा के ला चुका हूँ, और अभी फटाफट से जितनी जल्दी हो सके मेरे 20 करोड़ निकालो। ये लो सर आपका बेटा। अरे वाह यार फ्रैंकलिन, सच में तुमने तो काम कर दिया। अरे ड्राइवर हल्के में ले रहा है क्या तू मेरे को? देख भाई टोटल ये हो गए अपने 20 करोड़, तो 20 करोड़ में से तू 5 करोड़ लेने वाला था, ठीक है तो एक सूटकेस लेके निकल। पक्का इसके अंदर 5 करोड़ है? अबे हाँ यार 5 करोड़ होंगे, तभी तो 10 करोड़ वो और 5-5 करोड़ ये, एक सूटकेस लेके निकल, बाकी ये दोनों मेरे पैसे, ठीक है? ठीक है चलता हूँ मैं अभी यहाँ से। अपने 10 और 5 करोड़ मैंने रख लिए गाइस अपने कचरे वाले ट्रक के ऊपर, और अब इस कचरे वाले ट्रक को मैं लेकर जा रहा हूँ एग्जैक्टली उसी जगह पर जहाँ से मैं इसे लेकर आया था। और एक काम करेंगे अपनी वहाँ से जीप उठा लेंगे और फिर जीप पर ये सारे पैसे रख के लेकर आ जाएंगे घर, और देखते हैं गाइस आज की घर में कितना काम हुआ है, आज कितना प्रोग्रेस हुआ है हमारे घर में, लेट्स सी। ऐसे अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो गाइस, और इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो नहीं किया अभी तक तो फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारे फ्लाइट नए वाले चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो उसे भी चेकआउट करो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भाई साहब यार शाम हो गई बहुत ज़्यादा, वो दोनों बंदे अभी तक बेहोश है। छोड़ो यहाँ से अपनी गाड़ी लेता हूँ मैं, सबसे पहले तो यार मैं वापस से अपने नॉर्मल वाले कपड़े पहनूँ, ये कपड़े बहुत अजीब लग रहे हैं, इधर ही फेंके थे मैंने अपने पुराने कपड़े। दिस इज़ बेटर नाउ, अभी पैसे रखते हैं अपनी जीप पे और घर निकलते हैं। ओके अब देखा जाए कि घर के अंदर कितनी प्रोग्रेस हुई है आज, क्या क्या अपग्रेड हुआ है, कहाँ तक घर बन चुका है। आई गेस अगर यही रफ्तार चलती रही तो जल्दी हमारा घर पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा गाइस। अभी तक 30% रेडी मान सकते हो तुम लोग, इससे ज़्यादा ही भाई 35% रेडी मान सकते हो तुम लोग, लेकिन अभी भी उसके अंदर आगे भी अपग्रेड्स होते रहेंगे, अभी प्लान में चेंज भी हो सकता है, क्या पता एक स्विमिंग पूल की बजाय 2 स्विमिंग पूल हो जाए, क्या पता 2 मंजिल की बजाय हम लोग 3 फ्लोर का बना दे, लेकिन अभी तो फिलहाल मेरे पास जितने पैसे हो सकते हैं मैं उतने ही कोशिश करने वाला हूँ। बाद में गाइस अगर तुम लोग बोलोगे तो उसे हम लोग और अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे, बाकी अभी तक तो हम लोग जो हमारा ऑलरेडी प्लान है उसी को फॉलो करते हैं, 2 फ्लोर का अपना गैराज और 2 फ्लोर का मेरा ऑफिस, और बाकी छोटे मोटे चेंजेस पेड़ पौधे वगैरह एकदम बढ़िया तरीके से। चलो भाई तो अपने 15 करोड़ लेकर आ चुका हूँ मैं, रात हो गई भाई आते आते। ओके नाइस, क्रेन व्रेन भाई लगा दी है इसने तो, मतलब क्रेन नहीं भाई, क्रेन तो कल का ही लगा पड़ा है। बुलडोजर देखो, बुलडोजर एक वहाँ पर है भाई, बुलडोजर का भी वेट सह पा रहा है अपना घर, भाई मजबूत घर बनने वाला है मैं बता रहा हूँ। इधर भी एक बुलडोजर, ओ ऑफिस का काम फाइनली शुरू हो चुका है,
अरे वाह यार, ऑफिस का काम देख के मजा आ रहा है। वहाँ पर 2 स्टोरी गैरेज और यहाँ पर 2 स्टोरी ऑफिस। बाकी लाइट्स वाइट्स ये नहीं लगी है, कल तक ये सारी लाइट्स नहीं थी यहाँ पे। ये देखो पेड़ के नीचे भी शायद एक लाइट लगी है। हाँ ये देखो, ओके अंदर सीढ़ी वाला काम फिनिश हुआ। हाँ सीढ़ी वाला काम फाइनली फिनिश हो चुका और यहाँ पर सिंपली अभी हमें बढ़िया तरीके से सीढ़ियाँ चढ़नी है। अबे एक सेकंड, पैर अटक रहे हैं भाई। अरे यार ये शीशे कब लगाएंगे, परमानेंट वाले? टेम्प्ररी शीशे अभी तक लगा रखे हैं। इधर कुछ तो दिक्कत हो रही है। अरे भाई सीढ़ी यहाँ पे फिक्स करो, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ की सीढ़ी में। अरे सब फिक्स हो जाएगा फ्रैंकलिन, तुम उसकी टेंशन मत लो। घर देखो कितनी बढ़िया तरीके से काम चालू है। हाँ भाई, और ये ऑफिस का भी काम शुरू हो गया आज फाइनली। और क्या, कल तक तुम्हारा ऑफिस भी पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। अरे वाह यार, काम एकदम जोरों शोरों से चालू है गाइस। जल्दी घर कंप्लीट हो जाए इसके लिए तुम लोग जाओ वीडियो को लाइक करो, अभी तक लाइक नहीं किया है तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करके ऑन कर देना। बाकी अभी भी आज ज़्यादा काम नहीं हुआ, मतलब भले ही अपने ऑफिस में काम लग गया है बट कल जितना काम हुआ था यार उतना नहीं हुआ। इस कॉन्ट्रैक्टर को लगता है फिर से सुनाना पड़ेगा यार, ये सुन सुन के बढ़िया काम कर रहा है, सुनाना पड़ेगा लगता है। कोई बात नहीं, कल सुना देंगे। बाकी गाइस तुम लोगों को आज की वाली वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर तुम लोगों ने हमारे हाउस ऑफ ग्रेट के अभी तक 3 एपिसोड नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो गाइस, इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाओ देखो।